अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? अच्छा, आज बड़ा मज़ेदार सा आप लोगों के लिए ना एक फ्रॉड अलर्ट लेकर आया हूँ मैं, और ख़ास तौर पे सेलर और रीसेलर के लिए ये वीडियो है। ख़ुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं और शेयर करवाएं जो नया फ्रॉड आया मार्केट में। अब वो क्या है, पहले मैं थोड़ा सा वैसे बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ। अच्छा, ये फ्रॉड ये है कि काफ़ी सारे आपके पास स्क्रीन शॉट आएंगे जब आप कोई लाइव करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो आपके पास जो है एक स्क्रीन शॉट लोग भेजेंगे, या कुछ लोग उसमें से, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, जो फ्रॉड कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भेजेंगे, ये देखें हमने आपको पेमेंट भेज दी, अब हमारा पार्सल बुक कर दें। फिर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार स्क्रीनशॉट आ गया, पेमेंट भी आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, या अभी आई नहीं है, या नेटवर्क का इशू होगा। आपने लिया पार्सल, दे दिया, डिस्पैच कर दिया, आपके पास से पार्सल निकल गया, फिर आप उनकी मिन्नतें करते रहेंगे कि सर कल आपने पेमेंट की थी, अभी तक तो नहीं आई। वो आपसे कहेगा मेरे पास से तो जा चुकी है, अच्छा मैं हेल्पलाइन पर मालूम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे केस मेरे पास हैं जो मेरे रीसेलर्स हैं, जिनके साथ एक दो के साथ हो चुके हैं, जिन्होंने बताया। अब एक हफ्ते से मेरे पास स्क्रीन शॉट्स आ रहे हैं इनसे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारी पॉलिसी है जब तक हम अपने स्टेटमेंट पे आपका अमाउंट शो होता ना देखें, हम किसी को भी ओके या रिसीव नहीं लिखते। और जब तक आपकी पेमेंट हमारे पास नहीं आती, या किसी की भी पेमेंट नहीं आती, जब तक हम आपको कोई रिप्लाई नहीं करते। आपकी पेमेंट आती है तो रिसीव लिख देते हैं, और वेट करना होता है तो हम ओके लिख देते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि पिछले एक हफ्ते से मेरे पास से कोई 4 या 5 स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ रहे हैं कि जी ये देखें हमने पेमेंट कर दी आपको। मैंने कहा ठीक है सर, पेमेंट कर दी, आपको सामान मिल जाएगा, मगर पहले हमें पेमेंट रिसीव होने थे। उसके बाद वो हम पे ब्लेम कर रहे हैं। उसमें से एक साहब थे, यार ये आप लोग तो करते हैं, फ्रॉड करते हैं, आप क्यों झूठ बोलते हैं थोड़े से पैसों के लिए, और ये वो। मैंने कहा सर क्या हुआ है, तो हमने तो आपको पेमेंट दे दी, अब आप मुकर रहे हैं, आप लोगों की वजह से सॉरी आप लोगों की वजह से जो है ना लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरते हैं। मैं कह रहा हूँ सर ठीक है, हमारी वजह से डरते हैं। अच्छा, उसके बाद ये गायब हो गए, जब इनको पूरी असलियत बताई कि ये देखें जी कॉल रिकॉर्ड, ने हेल्पलाइन पे ये आईडी नंबर दिया है, इस आईडी से, इस तरह की कोई भी आईडी से इस तरह का कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र किसी के पास से भी नहीं हुआ। अच्छा, स्क्रीनशॉट मुलायजा कीजिए, ये पहला स्क्रीनशॉट है, ठीक है जी, ये स्क्रीनशॉट है 11,100 रुपए का, ये बहुत D2 बने हुए हैं, बिल्कुल जेन्युइन बने हुए हैं, किसी किस्म की कोई वो नहीं है, इजी पैसा का अकाउंट, ऊपर आईडी शाईडी सारा कुछ है, इसमें सारा कुछ हो रहा है, इसको बस अपने हिसाब से आप करते रहें, ठीक है। दूसरा स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा स्क्रीनशॉट आके ये इजी पैसा का, और ये अमाउंट है 18,000 रुपए की, 18,000 का ये अमाउंट है, ठीक है जी। इन्होंने भी यही कहा, हमने तो भेज दिया। अच्छा, ये वो साहब हैं 4 या 5 जो पेमेंट करके ना एक हफ्ता हो गया, अब अपनी पेमेंट मांग नहीं रहे वापस, ठीक है जी, क्योंकि इनको पता है हमने भेजी नहीं है। हमने तो एक ट्राई मारी थी कि सामने वाला जो है ना वो शायद बातों में आ जाए और हमें दे दें, और बहुत सारे लोग आए भी हों शायद। ये अमाउंट 15,000 रुपये की है, 3 दिखा दिया, 11,100, 18,000 और 15,000। उसके बाद है ये 15,813 रुपये एक साहब ने, और इसमें से इन्होंने ये भी लिखा है कि 13 रुपये और 90 पैसे इनके पास से डिटेक्ट हुए हैं इसकी फ़ीस। ये देखें, बहुत ही जेन्युइन किस्म के, अच्छी मेहनत की है जिसने भी की है, थोड़ी सी और करते तो शायद हम आपको पार्सल भेज देते। तो ये फ्रॉड अलर्ट है, ये देख लें, ये सारे आपको दिखाऊँ, 1, 2, 3, 4, ये 4 आ गए, ठीक है। अब ज़रा सुने काम की बात, किसी बेचारे गरीब रीसेलर जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, आपको पता है कि सभी लोग परेशान हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं या वैसे काम कर रहे हैं, लोग क्राइसिस में भी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मसले मसाइल हैं। किसी गरीब के पास जिसको नॉलेज ना हो, इस तरह का कोई स्क्रीनशॉट आ जाए, वो बेचारा अपनी किसी से उधार लेके काम कर रहा है, या जैसे भी काम कर रहा है किसी से, या अपना कुछ बेच के बिजनेस कर रहा है, ये उठा के इस तरह से किसी को भेज दें, तो आप मुझे बताएं कि वो गरीब कहाँ जाए, ठीक है ना, वो गरीब कहाँ जाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को दूसरों को भी बताएं, और इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस किस्म के अगर फ्रॉड होते हैं तो आप स्टेटमेंट पे जब तक आपके पास आपकी पेमेंट नहीं आती, किसी को कोई सामान डिस्पैच ना कीजिए, ठीक है। तो ये सेलर और रीसेलर के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। अपना और सबका बहुत ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।